सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और अपने पड़ोस वाली आंटी की बेल बजा के जल्दी से भाग जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है देवांशु, आप देख रहे हैं टेक दादा। आज की वीडियो के बारे में आपको पता होगा, टाइटल देख लिया होगा, थर्मल थ्रॉटलिंग। मैं फटाफट से छोटी वीडियो है, जल्दी से आसान तरीके से बता दूंगा आपको एक थर्मल थ्रॉटलिंग क्या होती है राइट आफ्टर दिस इंट्रो। थर्मल थ्रॉटलिंग जो है वो थोड़ा बहुत फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स में रूल होता है कि अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होती रहती है। तो आपको समझाने के लिए मैं छोटा सा ग्राफ बनाया है। वो ये है मेरा ग्राफ, यहाँ पे है हमारा नीचे हीट और ये है मेरा कंडक्टेंस। तो अगर किसी सब्सटेंस की हीट बढ़ती जाती है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होती जाती है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को किसी सब्सटेंस से पास होने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा रेजिस्टेंस से उसको लड़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। क्या हो गया है भाई? क्या यार, तू फिजिक्स पढ़ा रहा है यहाँ पे, मैं कुछ और देखना है, तू फिजिक्स पढ़ा रहा है मेरे को, सो गया है देख, बोर हो गया इतना ज़्यादा। सॉरी यार, ठीक है फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा मैं यहाँ पे, आप भी बोर हो गए क्या फिजिक्स से? कोई नहीं, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो मेरा जो प्रोसेसर है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर, जिस जो कि 2.9 गीगाहर्ट्ज़ का स्टॉक फ्रीक्वेंसी या क्लॉक्स के साथ आता है, और उसको मैंने ओवरक्लॉक कर रखा है 3.4 गीगाहर्ट्ज़ तक स्टॉक कूलर पे। वो गर्म तो होता है, 70 डिग्री पहुंच जाता है, 71-72 भी टच कर जाता है, पर वो थर्मल थ्रॉटल नहीं होता। इस टेस्ट के लिए मैंने अपने जो सीपीयू फैन है उसको बिल्कुल 20% पे ला दिया, जो कि सबसे कम स्पीड है उसकी, जिससे कि मेरा सीपीयू और गर्म हो, जिससे कि थर्मल थ्रॉटलिंग चालू हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ थर्मल थ्रॉटलिंग क्या होती है विद दिस एग्जाम्पल। दोस्तों आपको इस वीडियो में जो दिख रहा है, जो नीचे डाउन जो पड़े हुए हैं सर्कल में, ये है मेरा 2.5 या 4 गीगाहर्ट्ज़ पे है ये, और मेरा एक्चुअल जो क्लॉक है वो 3.5 गीगाहर्ट्ज़ पे है। आप थर्मल थ्रॉटलिंग स्टार्ट होने से पहले देख सकते हैं जो ये गड्ढे है, जो खाई जैसी आ रही है, ये खाई है थर्मल थ्रॉटलिंग। अगर आप इंटेल में अगर आईडा 64 चलाते हैं तो उसमें आपको अलग से वो बता देता है कि कितना परसेंटेज का थर्मल थ्रॉटल हो रहा है, पर AMD में आईडा 64 नहीं बताता है। एक छोटा साइड नोट, ज़्यादातर थर्मल थ्रॉटलिंग उनके साथ होती है जो कि ओवरक्लॉक करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप यूज़ करते हैं, क्योंकि लैपटॉप्स में जो कूलिंग सॉल्यूशन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, और ओवरक्लॉक के साथ इसलिए होता है क्योंकि ओवरक्लॉकिंग के टाइम पे आपका सीपीयू बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उससे हीट जनरेट होती है। अगर आपका कूलर अच्छा नहीं है तो वो उस हीट को मैनेज नहीं कर पाता और तब आपका सीपीयू थर्मल थ्रॉटल होना चालू होता है। ओके दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तुम लोग को समझ में आया ना? बाय, एक नंबर, एक नंबर, बहुत बढ़िया, उनको भी समझ में आ गया और होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों छोटी सी वीडियो थी एक सिंपल से टॉपिक के ऊपर। तो मैंने सोचा कि आजकल लोग बहुत ओवरक्लॉकिंग में जा रहे हैं, और जब से AMD आया है तब से हर कोई ओवरक्लॉकिंग करना चाह रहा है, क्योंकि AMD के सारे प्रोसेसर बहुत ही अच्छे ओवरक्लॉकर्स हैं और साथ में सस्ते भी आते हैं और सारे अनलॉक्ड भी हैं, तो आप कोई सा भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं इजीली, और स्टॉक कूलर के साथ मैंने ओवरक्लॉक कर रखा है तो आप भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि ओवरक्लॉक आप बहुत ज़्यादा ना कर दें। मैं बहुत जल्द ओवरक्लॉकिंग के ऊपर एक छोटी सी गाइड बनाने वाला हूँ, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन दबाओ, जिससे कि आपको सबसे पहले पता चले जब मेरी नई वीडियो आए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके हमें कमेंट में बताएं कि क्या पसंद नहीं आया। दोस्तों मेरा नाम है देवांशु, आप देख रहे टेकी दादा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये क्या लिखा है भाई?